हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं एग रोल। इसमें हम यूज करेंगे आटे का। वैसे बाजार में जो मिलते हैं फ्रेंड्स वो मैदे के मिलते हैं, बट आज हम घर में बना रहे हैं हेल्दी, तो इसके लिए हम यूज कर रहे हैं गेहूं का आटा। तो फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं एग रोल बनाना। इसके लिए सबसे पहले हमने अनियन कट कर लिया है, अनियन के इस तरह से लच्छे बना लिए हैं प्याज के, और साथ में हमने कैप्सिकम शिमला मिर्च ले ली है, इस तरह से पतले पतले काटे हैं। अब हम इसे थोड़ा सा सॉटे कर लेते हैं फ्रेंड। तो फिर सॉटे करने के सबसे पहले हमने पैन को गर्म कर लिया है, इसमें हम करीबन 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। इस ऑयल को हम गर्म कर लेते हैं, और यहाँ पे हमने जो हमारे अनियन और कैप्सिकम कट करके रखे थे इसे हम पैन पे शिफ्ट कर देते हैं। इसे करीबन हमें 1 मिनट तक सॉटे करना है, तो बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है हमें, और इसमें हम कोई भी मसाले नहीं डालेंगे, स्पेशली हम इसे नमक ऐड नहीं करेंगे। हमने नमक ऐड किया तो हमारी जो सब्जियाँ हैं वो पानी छोड़ देंगी। थोड़ी कम गैस पे आटे को सॉटे कर लिए, थोड़ी बहुत तेज होने पर वेजिटेबल्स रेडी हो गई है। अब इसे हम इस प्लेट पे शिफ्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे आटा ले लिया है इसका बेस तैयार करने के लिए। अब इसके लिए गोल हमें मोटी रोटी बनानी है। ये रोटी हमारी बन गई है, अब इसे सेकने के लिए हम तवे पे शिफ्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें रोटी को थोड़ा कच्चा पक्का ही रखना है, पूरी तरह से मत पकाइएगा, हल्का सा कच्चा पक्का रोटी बन जाए उसे उतार लीजिए। तो फ्रेंड्स, रोटी यहाँ बन गई है, अब हम एग रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे हमने 2 अंडे लिए हैं, इसे हम यहाँ पे फोड़ लेते हैं पहले। तो फ्रेंड्स, इसमें ऐड कर लेते हैं हम नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च ऐड कर रहे हैं फ्रेंड्स इसमें करीबन 1/4 स्पून, गरम मसाला 1/4 स्पून, थोड़ा सा चाट मसाला, और फ्रेंड्स इसे अच्छी तरह से हम फेंट लेंगे। फ्रेंड्स, पैन को हमने गरम कर लिया है, अब इसमें हम थोड़ा देसी घी डालते हैं, और जो हमने यहाँ पे एग रेडी किया है उसे हम शिफ्ट करते हैं। यहाँ पे जो हमने रोटी बना रखी थी, अब हम उस रोटी को यहाँ पे एग पर शिफ्ट करेंगे इस तरह से। अब थोड़ा सा घी ऐड कर रहे हैं फ्रेंड्स, और थोड़ा रोटी के ऊपर भी हम घी को लगाएंगे। अब इसे हम दूसरी तरफ से पकाने के लिए पलट देते हैं फ्रेंड्स। अब इसी तरह से हम इसे दूसरी तरफ से भी रोटी को सेक लेते हैं। तो फिर ये हमारा दोनों तरफ से अच्छी तरह से पक गया है, अब हम इसे प्लेट से निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें हमने जो सॉटे कर रखी थी सब्जियां वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे।
इस तरह से आप उसे यहाँ पे ऐड करें। यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग कुछ कच्चे प्याज भी रखे हैं, इसे प्याज का फ्लेवर जो है वो बहुत ही अच्छा आएगा, तो इसे भी आप इसके ऊपर इस तरह से रख सकते हैं। फ्रेंड इसमें ऐड कर रहे हैं हम मेयोनीज। अब टमाटो केचप, थोड़ा सा चाट मसाला। तो फ्रेंड्स अब ये रेडी है, अब इसे हम रोल कर लेते हैं। इस तरह से